अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ रोटी के चोंगे, गुड़ और चीनी के दोनों के भी बनाकर बता रही हूँ रोटी के चोंगे। तो चलिए बनाते हैं रोटी के चोंगे। इनके लिए क्या क्या चाहिए अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पर गेहूं का आटा ली हूँ मैं। गेहूं के आटे से अच्छे बनते हैं, नरम बनते हैं, मुलायम बनते हैं गेहूं का आटा। यहाँ पर सूखा नारियल कद्दूकस करके रख ली हूँ, सूखा नारियल, गुड़ को भी मैं बारीक पाउडर करके रख ली हूँ, गुड़। और यहाँ पर चीनी, खसखस और यहाँ घी, ये सब चाहिए। सबसे पहले मैं आटे को गून लेती हूँ। यहाँ पर आटा, मैं सबसे पहले आटा गून लेती हूँ। आटा थोड़ा सा, 2 टीस्पून जितना तेल, बस इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डाल लेना है। इसमें जो रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ऐसा ही हमें इसमें इसे गूंद लेना है। मैं अच्छे से गूंद लेती हूँ। यहाँ पर आटे को गूंद ली हूँ मैं। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट में रख देती हूँ, फिर चोंगे बनाकर मैं बताती हूँ। यहाँ पर रेस्ट में रख देती हूँ, 10 मिनट के बाद मैं आपको बनाकर बताती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं, अभी मैं बनाकर बताती हूँ। ये देखिए अच्छे से नरम हो गया है आटा। अभी मैं चोंगे बनाकर बेलकर बताती हूँ आपको। हमें इतने इतने पेड़े चाहिए, ज्यादा बड़े भी नहीं, ज्यादा छोटे भी नहीं, मीडियम से लेना है। हमें इतने इतने पेड़े बनाना है। यहाँ पर पेड़े बना ली हूँ मैं। अभी यहाँ रोटी के लिए मैं तख्ता ली हूँ। यहाँ पर ये डिजाइन का तख्ता है, ये हमेशा हमारे घर में इसमें ही बनाते हैं चोंगे। अभी मैं इसको रख लेती हूँ। इस पर थोड़ा सा तेल लेना है, सबसे पहले तख्ते पर तेल लेना है ऐसे। हमारे घर में इसमें ही बेलकर बनाते हैं चोंगे, रोटी के चोंगे इस पर ही बेलते हैं। मैं वर्खी के भी चोंगे आपको बनाकर बताई हूँ मैं, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, ये भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये नरम से अच्छे, खाने में भी बहुत नरम से रहते हैं। ये तेल में ही बेलना है, आटे में नहीं बेलना है इसे। यहाँ पर देखिए बेल चुकी हूँ मैं अच्छे से। ये देखिए ऐसे डिजाइन आता है चोंगों में, ऐसे डिजाइन आता है। एक एक करके मैं ऐसे ही बेल लेती हूँ, यहाँ पर रख लेती हूँ। पर ये भी मैं ऐसे ही बेल ली हूँ। ये देखिए अच्छे से इसमें डिजाइन आता, ऐसे आता है। अभी मैं गैस ऑन कर लेती हूँ, तवे को भी रख लेती हूँ। यहाँ पर गैस ऑन कर ली हूँ मैं, तवे को भी रख ली हूँ। हमें एक एक करके सेकना है, जैसे रोटी बनाते हैं हमें ऐसे ही बनाना है। ये देखिए ऐसे यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा तेल, फिर इसे हमें पलट लेना है। जैसे आप रोटी बनाते हैं ऐसे ही, इसे ही बोलते हैं रोटी के चोंगे। ये अलग से नरम रहते हैं, ये खाने में भी नरम रहते हैं, ये अच्छे रहते हैं गुड़ के और शक्कर के, यानी कि चीनी के। गुड़ और चीनी के दो भी मैं बनाकर बता रही हूँ। मैं पहले बनाकर बताई थी आपको वर्खी के चोंगे, वो तलकर बनाते हैं, ये ऐसे बना। बहुत से लोग ये भी तलकर खाते हैं, चाहिए तो इसे तलकर भी इसे आप बनाकर खा सकते हैं। मैं ऐसे बनाकर बता रही हूँ आपको, ये हमारे घर में ऐसे ही बनते हैं चोंगे, हमारे घर में ऐसे ही बनाकर खाते हैं। इसीलिए मैं परसों में मैं वर्की के चोंगे में मैं बताई थी आपको, रोटी के बनाकर बता रही हूँ, ये बनाकर बता रही हूँ। आप लोग जरूर से इसे बनाकर खाइए, ये भी बहुत अच्छे रहते हैं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए। जो भी कर हैं लाइक सब्सक्राइब करके, उन लोगों को सभी को मेरा बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। ये देखिए पक चुके हैं, अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ, ऐसे पका लेना है। इसे निकाल लेती हूँ मैं, दूसरे भी इसमें डाल लेती हूँ। जैसे रोटी बनाते हैं आप ऐसे ही इसे भी बना लेना है। हाँ, बेलना से अलग है, इसका डिजाइन का तख्ता आता है उसमें ही आप बेल लेना। अगर आपके पास नहीं है तो आप सादी छोटी रोटी बेलकर भी बनाकर खा सकते हैं। मोटी, ज्यादा मोटी नहीं, ज्यादा पतली, मीडियम से बनाना है। ये देखिए ऐसे,
मीडियम से बनाना, बेलकर बना लेना है, आप ऐसे ही खा लीजिए। आपके पास डिजाइन का नहीं है तो ये हो गया है, पक गया। मैं अभी गैस बंद कर लेती हूँ, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर देखिए सभी को मैं पका ली हूँ, अभी इसे बनाकर बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक चोंगे को लेना है, यहाँ पर मैं आप यहाँ पर चीनी का बता रही हूँ यानी कि शुगर का। पहले इस पर आपको जितना मीठा चाहे उतना डालकर खा सकते हैं। ये हो गया। अभी यहाँ पर सूखा नारियल, देखिए अभी यहाँ पर खसखस, खसखस डालना जरूरी है, खसखस को डालना जरूरी है। फिर इस पर घी, घी डालकर खाने से माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए तैयार हो गए। ऐसे ही तैयार करके मैं बताती हूँ। चीनी के हो गए हैं, अभी मैं गुड़ के बताती हूँ आपको। थोड़ा सा गुड़ लेना है, पाउडर है गुड़ का तो ठीक बात है, नहीं आप सारा लेकर आते हैं तो उसे अच्छे से फोड़ लेना है गुड़ को। अभी हो गया गुड़, अभी इसमें सूखा नारियल, ये देखिए ऐसे अच्छे से भर कर खाइए, घी अच्छे से डालकर खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं ये। और इसमें खसखस, चीनी के हो गए, अभी मैं गुड़ के बनाकर बताती हूँ आपको। पहले गुड़ लेना है, आपके पास सारा गुड़ है तो आप फोड़कर उसे बारीक पाउडर कर लेना आप ऐसे गुड़ के। फिर इसमें सूखा नारियल, आप जितना चाहे उतना डालकर खा सकते हैं। अब इसमें खसखस और इसमें घी, गर्मा गर्म में घी डालकर खाइए, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए चीनी के, शक्कर के और गुड़ के दोनों चोंगे मैं रोटी के बनाकर बताई हूँ आपको। आप खाने के वक्त आप ऐसे भी खा सकते हैं या ऐसे फोल्ड करके भी इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं। ये देखिए आज रोटी के चोंगे बनाकर बताई हूँ मैं, बोली थी मैं बनाकर बताती हूँ, आज बनाकर बताई हूँ। चीनी के भी बनाई हूँ, गुड़ के भी बनाई हूँ, बहुत इजी है, खाने में बहुत टेस्टी है। गर्मा गर्म पर घी डालकर खाइए, बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाइए, खाइए जरूर से, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।